रोमन रेंज की अपने को फोटो वगैरह दिखा रही है, इसके बाद दो दो चैंपियनशिप है, एक WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो दो है उसके पास। तो मैं यहाँ पे बिगनर में फाइट करने वाला हूँ और देखते हैं कि इसमें अपने को क्या कुछ बढ़िया सा एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सेथ रोलिन के साथ जाऊंगा, क्योंकि सेथ रोलिन की हेल्थ आपके सामने प्लस पे दिखा रही थी और बिग ई की हेल्थ माइनस पे दिखा रही थी, तो मैं बिग ई से लड़ने वाला हूँ यहाँ पे सेथ रोलिन के साथ। और मैंने यहाँ पे इसको मारना तो स्टार्ट कर दिया, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से और जल्दी से हार जाएगा। अभी इसको मैंने मार दिया बकल बम, जो कि इसको ज़ोर से लगेगा, और यहाँ पे डेंजर पिन तो लिखा आ चुका है, पता नहीं ये काउंट आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे अगर नहीं कर पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी, बट भाई ये कोशिश कर रहा है काउंट आउट करने की, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अपनी गिनती नहीं हो पाई है, बट अभी एक और इसमें खाने के लिए तैयार हो जाए तो अब इसको यहाँ पे लगने वाला है कब स्ट्रॉन्ग, और इसमें इसका काम तमाम हो जाएगा। अब ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, भाई काफ़ी ज़्यादा जोर से लगा, यहाँ पे डेंजर पिन भी लिखा आ चुका है, अब तो खत्म है भाई, अब कोई भी चांस नहीं है, तो खत्म। यहाँ पे मैंने बिगी को हरा दिया सेथ रोलिन की मदद से, बिगी यार उतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं था, बट कोई बात नहीं यार, इसने एक बार मतलब काउंट आउट कर दिया, मुझे लगा था काउंट हो जाएगा बट नहीं हो पाया था। तो अभी बारी है जेवियर वुड को हराने की, और इसको मैं सोच रहा हूँ जॉन सिना से तो नहीं, इसको भी मुझे सेथ रोलिन से ही हराना पड़ेगा, क्योंकि जॉन सिना को आपने देखा उसकी हेल्थ माइनस पे जा रही थी, तो अपना ही घाटा था, जिसलिए मैंने यहाँ पे सेथ रोलिन को फिर से मैं लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं इसको वही दूंगा बकल बम या फिर कब स्टॉम, अब देखते कि ये क्या खाएगा सबसे पहले, जल्दी जल्दी मुझे मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कम स्टॉम लगने वाला है सबसे पहले, रुक जा, अभी तो कुछ नहीं लग पाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी चार्ज हो चुकी है, इसने रिवर्सल दे दिया, अब लगेगा ना, अब इसको लगेगा यहाँ पे कब स्टॉम, इसने भाई अपनी मौत को दावत दे दिया रिवर्सल दे के। अब वैसे भी इसको देना था, वैसे भी ये ख़त्म हो जाता, इसकी काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ थी तो वैसे भी ये मर जाता, बट इसने रिवर्सल दे के अपनी जान बचाने की कोशिश की, बट भाई इसकी जान तो यूँ भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि अब इसको लगेगा यहाँ पे बकल बॉम्ब, अब ख़त्म भाई, ठीक है। इसको फिर से कब स्टॉम ही लग रहा है यहाँ पे, इससे तो रहेगा बकल बम मारने का मन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं कि काउंट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से पड़ा है जेवियर वुड, तो इसका काम यहीं पे तमाम हो जाता है और अपना सेथ रोलिन ये वाली फाइट को हो जाता है विन। अब सेथ रोलिन ने अपने को यहाँ पे दो मैच जिताए, देखते हैं सेथ रोलिन कितने मैच जिता पाएगा अपने को, और नेक्स्ट वाले से देखते हैं कि यार अब इसके सामने आ गया है कॉफी किंगस्टन, भाई न्यू डे के तीनों प्लेयर आ चुके हैं, देख रहे हो ना, पहले से पहले आया था बिग ई, इसके बाद आया अपने सामने जेवियर वुड, और उसके बाद आया यहाँ पे कॉफी किंगस्टन। अब इसको मैं यहाँ पे जॉन सिन्हा से हराने वाला हूँ, वैसे न्यू डे की भाई पूरी का पूरी टीम आ गई, वैसे तीनों एक साथ भी आ जाते तो मैं अकेला इनको हरा सकता था, कमज़ोर है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बट सबसे एंड में है रेमी स्टूडियो और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब वैसे तो मेरा जॉन सिन्हा फुल अपग्रेड है मैक्स है यहाँ पे, क्योंकि एक लेवल का है जिसको मैंने यहाँ पे मैक्स करा हुआ है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसको मैंने फुल अपग्रेड कर रखा है। बट भाई एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ पे मैंने कॉफी किंगस्टन को तो हरा दिया, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि रेमी स्टूडियो को इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों दिया है भाई। वैसे तो रेमी स्टूडियो को इन्होंने बोला कि आप एक स्टार का कैरेक्टर लेके आओ लड़ने के लिए, और रेमी स्टूडियो को इन्होंने दो स्टार का दे दिया, तो ये कोई बात तो होती नहीं है, बट कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे सेथ रोलिन को हराना है, उसको भी मैं यहाँ पे जॉन सिन्हा की मदद से हराने वाला हूँ, क्योंकि सेथ रोलिन की फाइट कराने में मज़ा नहीं आएगा, और जॉन सिन्हा अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सेथ रोलिन को तो मारना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं इसको यहाँ पे नकल शकल लगा देने वाला हूँ बस भाई, अब इसको काफ़ी ज़्यादा जोर से नकल शकल लगेगा, मुझे लगता है कि मैं इसका काम तमाम हो जाएगा भाई, पूरी हेल्थ चली जाएगी, देखो खत्म भाई, ये कि मैं इसका काम तमाम हो गया है, तो यहाँ पे काउंट तो हो जाना चाहिए, बट जो कि नहीं हो पा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका एटीट्यूड एडजस्ट में खाने का मन होगा, तो इसको AA में मारूंगा, अब खत्म भाई, अब AA से तो ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, बिल्कुल ही भाई नो चांस हो चुका है इसका, तो अब देखो मैं गिनती करता हूँ, इसका नो चांस हो चुका है, अभी खत्म है ये, तो देखो ये वाली फाइट को मैं यहाँ पे विन हो जाता जॉन सिन्हा की मदद से, बट अब बारी है भाई रेमी स्टूडियो की, अब इन्होंने ये चीज़ गलत करी या फिर सही, आप कमेंट जरूर से बताना कि भाई इन्होंने मुझे तो बोला कि आप एक स्टार का कैरेक्टर ला सकते हो, मतलब एक स्टार का सुपरस्टार ला सकते हो, और इन्होंने यहाँ पे रेमी स्टूडियो दो स्टार का दे दिया है। अब रेमी स्टूडियो देखो ना यार 400 की HP, मतलब उसको फुल अपग्रेड कर रखा है, और मैंने यहाँ पे 250 से ऊपर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो दो स्टार के कैरेक्टर कितना ही जाएंगे भाई, इतना ही जा पाएंगे वो, 200-250 से ऊपर नहीं जाएंगे वो, और भाई ये एकदम से 400 की HP पे आया है, तो रेमी स्टूडियो को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं चारों की मदद से इससे लड़ने वाला हूँ, शायद चारों की मदद से मैं हरा दूँ, एक तो नहीं हरा पाएगा ये मुझे फुल गारंटी, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी स्पीड भी फुल चार्ज हो चुकी है, और इसने भाई मुझे मार भी दिया, वेस्ट कोस्ट पॉप ये नाम है इसकी ये वाले मूव का, और भाई काफ़ी ज़्यादा जोर से लगा, ओह भाई साहब ख़त्म ही कर दिया इसने एक ही में ख़त्म, अब देखो कितनी ज़्यादा जोर से इसने मुझे मारा है, मतलब अब बोल सकते हो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं छोड़ा इसने, तो मुझे कुछ भी करके जो भी अपना मूव चार्ज है वही लगा देता हूँ, तो अब शार्प शूटर में मैंने इसको डाल दिया है, अभी इस टैप तो करेगा नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, बट मैं जितना हो सकता है उतनी हेल्थ इसकी लेने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा हेल्थ इसकी चली जाए, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, मेरा कोई नेक्स्ट प्लेयर जो आएगा वो इसको हरा पाए,
तो अब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अब ये मुझे एक गुस्सा देगा और खत्म। एक और मैं सोच रहा हूँ लग जाए शूटिंग। अरे यार इसने रिवर्सल दे दिया, मैं यहाँ पे एक और मुंह मारने वाला था बट अब इसने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया और अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। इसने डाइविंग क्रॉस बॉडी दे दी जो कि काफ़ी जोर से मुझे लगी और अब खत्म भाई। सेथ रोलैंड अपना हिल भी नहीं रहा है तो मुझे किसी और सुपरस्टार से ट्राई करना पड़ेगा। सेथ रोलैंड को तो यहाँ पे अपने रेमी स्टूडियो ने हरा दिया। वैसे तो रेमी स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है बट भाई टू स्टार का था ना यार, तो मैं क्या कर सकता था। अगर मेरा भी टू स्टार का होता तो मैं रेमी स्टूडियो को हरा देता। अब मुझे यहाँ पे जॉन सिन्हा से लेकर चलना है क्योंकि जॉन सिन्हा की वैसे भी माइनस पे हेल्थ चल रही है, तो जॉन सिन्हा से इसकी फाइट करा देते। शायद जॉन सिन्हा एक आध एटीट्यूड एडजस्टमेंट वगैरह इसको लगा दे तो इसका थोड़ा बहुत मतलब काम खत्म हो जाए। अब वैसे तो नहीं लगता कि मुझे जॉन सिन्हा भी इसको हरा पाएगा। इसने यहाँ पे मून सॉल्ट मुझे दे दिए, ठीक है इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी है। और अपना जॉन सिन्हा हीलिंग पे भी चला गया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि अपनी एचपी फिर से रिकवर हो रही है। पूरी तो नहीं हो पाएगी बट थोड़ी। अरे यार इसने फाइनल मूव दे दिया है वेस्ट कोस्ट पॉप भाई, ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से था। ख़त्म जॉन सिन्हा एक ही में, देखो ना भाई पूरी हेल्थ ले लेता है यार, पूरी हेल्थ चली जाती है। ठीक है मुझे बचने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी करके एकाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट वगैरह मुझे मारनी पड़ेगी यार क्योंकि अरे स्टन हो गया जॉन सिन्हा भाई। करूँ तो करूँ क्या, मैं बताऊँ ना आपके सामने की बात है। चलो नकल शकल मुझे लगाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे मैंने नकल शकल में इसको डाल दिया है। अब लगेगा भाई रेमी स्टूडियो को और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, पर फिर भी भाई थोड़ी सी हेल्थ गई यार। रेमी स्टूडियो काफ़ी था पावरफुल, अब तो ख़त्म भाई। फिंगर फॉल लेग लॉक में इसमें मुझे डाल दिया और अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना, टैप करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल ही ख़त्म थी भाई। कोई भी लड़ने का चांस ही नहीं मेरा हो रहा था यार, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है भाई। रेमी स्टूडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो चुका है यार, आपको ऐसा लगता है ना? मतलब क्योंकि दो स्टार का उसको अपने फुल अपग्रेड करके इन्होंने दिया है। मुझे 250-300 तक का भी होता तो भी वो 400 की इसकी एचपी जा रही है और मेरे स्टारों की देखो तो आप 150 से ऊपर की रेटिंग ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्टोन कोल्ड आ चुका है अपना स्टीव ऑस्टिन, देखते कि भाई ये क्या कर पाएगा। ये भी भाई एक आध मतलब 690 क्या देता है, 690 नहीं 360 देता है ना, पता नहीं भाई मैं भूल गया इसके स्मैक का नाम, ऐसा कुछ नाम था इसका। इसने यहाँ पे डाइविंग क्रॉस बॉडी दी है रेमी स्टूडियो ने काफ़ी ज़्यादा जोर से, तो मैंने किक आउट तो कर दिया। यहाँ पे मैं बचने की कोशिश में बिल्कुल ही कर रहा हूँ, कुछ भी करके यार मुझे इसको हराना है यहाँ पे। तो चलो अभी मैंने डाइविंग एल्बो ड्रॉप दे दिया इसको जो कि थोड़ा सा मतलब इतनी सी हेल्थ गई है इसकी, थोड़ी ज़्यादा भी नहीं गई भाई, थोड़ी सी हेल्थ बिल्कुल ही गई है। अरे ख़त्म, अब नहीं बच पाएगा अपना स्टीव ऑस्टिन, ख़त्म हो गया ना मून सॉल्ट भाई। यही हो रहा है ना बार बार, मैं भी कितना भी बचने का ट्राई करूँ, अरे अभी भी बचने के चांस है, शायद मैं बच जाऊँ और बच गया भाई, मैं बच गया। एक और मैं मूव इसको मार सकता हूँ, लग जा भाई लग जा। अभी एक और मूव इसको लग चुका है स्पाइन बस्टर, ठीक है भाई जाते जाते अपने मतलब स्टीव ऑस्टिन ने थोड़ा तो कमाल किया। अब नहीं हो सकता है कुछ भी, अब इसको वेस्ट कोट पॉप लगने वाली है जो कि काफ़ी ज़ोर से लगती है। आपको बताओगा जॉन सिन्हा को लगी थी एक ही में पूरी जॉन सिन्हा की हेल्थ चली गई थी, तो ये तो भाई जॉन सिन्हा से भी कमज़ोर था, तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ये वाली फाइट को मैं लूज हो जाऊँगा। अब मेरे पास एक फाइनल कैरेक्टर बचा है, अगर उससे भी काम नहीं हो पाया तो समझ लो कि ये वाला अपना गया। ये वाले टूर्नामेंट में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा इवेंट के अंदर। ट्रिपल एच भी बता रहा है कि अब डिफीट वगैरह हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब मुझे लग रहा है बट कोई बात नहीं। अपने पास एजी स्टाइल फाइनल बचा और शायद एजी स्टाइल वो करके दिखा दे जो कि भाई ये ना कर पाया स्टोन कोल्ड। तो एजी स्टाइल अपना सबसे ज़्यादा कमज़ोर है बट भाई रेमी स्टूडियो तो कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट शायद एजी स्टाइल इसको हरा दे, एक फिनोमिनल लगेगी और इसका काम हो जाएगा या फिर स्टाइल क्लेश से भी मजा आ जाएगा। पता नहीं भाई क्या लगने वाली है यहाँ पे, एजी स्टाइल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और भाई इसने इसकी फाइनल स्पेक मार दी है 690 इस बार। वैसे तो ये वेस्ट कोट पॉप देता था बर्ड, भाई इस बार इसने 690 दिए और इससे मेरी पूरी हेल्थ खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी मेरी हेल्थ बची हुई है। कुछ भी करके एक फोनोमिनल लग जाए बस यहाँ पे, ये वाली काउंट को तो मुझे छुटाना पड़ेगा। अरे भाई साहब दो हो चुकी थी यार इतनी बड़ी बड़ी में, मुझे लगा यही वाली बारी में मैं खत्म हो जाऊँगा बट अभी भी चांस है मेरे पास। कुछ भी करके भाई एक इसमें बस एक इसमें ओके, यहाँ पे फोनोमिनल 4 arms मैंने इसको डाल दिया है। अब लगता है भाई मैं जीत सकता हूँ, ठीक है भाई पूरी हेल्थ चली जानी चाहिए इसकी। अभी भी भाई देख रहे हो आप थोड़ी सी हेल्थ गई है यार, बट चलो इस बारी में मुझे ध्यान से काउंट करना बिल्कुल 2 और फाइनल 3। तो ठीक है यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो रेमी स्टूडियो को हरा दिया एजी स्टाइल की मदद से। अब ये मेरा यहाँ पे फाइनल सुपरस्टार था, वरना भाई यहाँ पे आप समझ सकते हो ये वाले इवेंट को मुझे छोड़ना पड़ता, मैं नहीं कंप्लीट कर पाता, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। रेमी स्टूडियो 2 स्टार का था और मेरे पास सिर्फ 1-1 स्टार के करेक्टर थे, वो भी हमने फुल अपग्रेड नहीं था, मैक्स पे नहीं थे, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा रिवॉर्ड मिला है। तो चलो मैं सब पूरी लूट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो एक मेरे पास 1 स्टार की लूट है और मेरे पास 2 स्टार की लूट है, तो दोनों को ओपन करते हैं और दोनों में मुझे वही कैरेक्टर मिले जो कि मेरे पहले से ही थे ऑलरेडी थे, तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं निकी बेला की और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं आया बटिस्टा की, क्योंकि बटिस्टा मेरे पास पहले से था। देख रहे हो थर्ड टाइम मुझे मिल चुका है ये, तो चलो इसके मुझे अपने इसके बदले मुझे दूसरी कोई चीज़ मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा कम यार, थोड़ी थोड़ी सी की वगैरह मिल जाती है अपग्रेड की। तो चलो ठीक है यहाँ पर मुझे ये वाली लूट को ओपन करना है,
तो इससे मुझे कुछ टायर 2 मिले हैं और बाकी अपने प्लेयर को अपग्रेड करने वाले जूस वगैरह मिला है। तो ठीक ठाक सी चीज़ अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये वाले इवेंट को अपन ने कर लिया कम्प्लीट, मजा आ गया। 2022 ईयर इनर रिकैप, तो इसको अपन ने आज कम्प्लीट किया। बाकी आपको बताता है कि आपको ये वाला इवेंट कैसा लगा। और अगर वीडियो में मजा वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता है कि वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।